शायद हमें कुछ अच्छी। मेरा नाम रॉबर्ट नेवल है। इस शहर में सिर्फ मैं एक ही जिंदा इंसान बचा हूं। ये संदेश मैं रेडियो के हर चैनल पर कर रहा हूं। हर रोज दोपहर जब सूरज ठीक सर के ऊपर होगा तो मैं तुम्हें साउथ स्ट्रीट सी बोट पर मिलूंगा। अगर तुम मुझे सुन रहे हो, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, रहने की जगह दे सकता हूँ, वायरस से सुरक्षा दे सकता हूँ। अगर कोई भी मेरी आवाज सुन रहा है, कोई भी, तो ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। आई एम लेजेंड 2007। कर्नल रॉबर्ट नेवल का संदेश, साल 2012। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूज चैनल की एक खास खबर से। डॉक्टर एलन नामी वायरोलॉजिस्ट को शो पर बुलाया गया था। एलन का दावा था कि उसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। कीवी नामी एक ऐसा वायरस जो इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे फायदा पहुंचाता है। एलन का ये भी दावा था कि उन्होंने 10,000 इंसानों पर इस वायरस का टेस्ट किया है और वो सभी ठीक हो गए। आसान शब्दों में दुनिया के लिए ये कैंसर का इलाज था। यहीं पर सीन कट। और अब हम आते हैं 3 साल आगे। उस वायरस ने इंसानी दुनिया को तबाह कर दिया है। 99% इंसान इसका शिकार हुए, करोड़ों मर गए, जो बचे वो निशाचरों में बदल गए। अपनी भूख मिटाने के लिए वो बाकी बचे इंसानों का शिकार करते। ये शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से हुई थी और अब वो बिल्कुल खाली पड़ा था। हमें US आर्मी का एक वायरोलॉजिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट नेवल था। शायद वही एक जिंदा बचा था। उसके साथ सैम नामी एक डॉग भी थी। पिछले 3 साल से वो इस वीरान शहर में रह रहा था। रॉबर्ट चूंकि एक वैज्ञानिक था, इसलिए पिछले 3 साल से वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था। शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सैम के साथ कार में है और हिरण का पीछा कर रहे हैं। मगर चूंकि अब जानवरों का राज था, इसलिए रॉबर्ट उनमें से किसी का भी शिकार नहीं कर पाता। खैर, गाड़ी रोक कर वो बंदूक लिए शिकार पर निकलता है। मगर उससे पहले ही शेरों का एक परिवार उस हिरण को ढेर कर देता है। शाम होने वाली थी, इसलिए ये सब ऐसे ही छोड़कर रॉबर्ट अपने घर आता है। दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लेता है क्योंकि रात को शहर में निशाचरों का राज होता है। वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते, इसलिए रॉबर्ट को जो भी करना होता है वो दिन में करता है। दिन के समय वो शहर में घूमता है, अपने लिए खाना पानी और सप्लाई जमा करता रहता है, प्लानिंग करता है। मगर उसने कभी यहाँ से जाने का नहीं सोचा क्योंकि कीवी वायरस को इंसानों पर टेस्ट करने में रॉबर्ट का भी हाथ था, इसलिए वो सब ठीक करना चाहता था। उसका कहना था कि ये सब यहीं से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में फैल गया और यहीं से इसे रोका जा सकता है। पिछले 3 साल से वो बिल्कुल अकेले रह रहा था, मगर उसने हार नहीं मानी। सैम ही उसकी अच्छी दोस्त थी। बीच बीच में हमें रॉबर्ट का अतीत और वो समय जब इस वायरस ने सब कुछ तबाह नहीं किया था वो दिखाया जाता है। जैसे जब न्यूयॉर्क शहर में वायरस बेकाबू हो गया तो रॉबर्ट अपनी पत्नी और छोटी बेटी को इस शहर से निकालना चाहता था क्योंकि इस शहर को सील किया जा रहा था। शहर में भगदड़ मची थी, सभी लोग यहाँ से निकलना चाहते थे मगर मिलिट्री उन्हें जाने नहीं दे रही थी। रॉबर्ट के परिवार को एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही थी, मगर हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर जाता है। उसकी पत्नी और बेटी मर जाते हैं। इस सब को हुए 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल में ही कीवी वायरस ने दुनिया से इंसानों का सफाया कर दिया। बस किसी तरह रॉबर्ट इन सब से बचा हुआ था। अब आते हैं वर्तमान में। रात को रॉबर्ट सफर नहीं करता था, वो वॉशरूम के सिंक में सोता था ताकि बाहर जो इन्फेक्टेड लोग है वो उसे ढूंढ ना ले, उसे इनकी गंध ना आए। रात को बाहर से उन निशाचरों की वो डरावनी आवाजें इन्हें सुनाई देती थी और ऐसे ही रॉबर्ट अपनी जिंदगी जी रहा था। खैर, अगले दिन जब वो उठता है, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करता है, हम जान पाते हैं कि असल में रॉबर्ट ने घर के बेसमेंट में ही एक लैब बनाई है जिसमें वो काफी समय से चूहों और कभी कभी
उन निशाचरों पर प्रयोग करता रहता है इस उम्मीद में कि शायद वो उस वायरस का वैक्सीन ढूंढ सके। हाल ही में रॉबर्ट ने चूहों पर वैक्सीन के अलग अलग डोज ट्राई किए थे जिसमें काफी चूहों पर असर नहीं हुआ था। कुछ को वैक्सीन ने मार दिया, सिर्फ एक चूहे पर थोड़ा बहुत असर दिख रहा था। इस वायरस के इन्फेक्टेड होने से जानवर और इंसान एक ऐसी चीज में बदल जाते हैं जिन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आता है। शारीरिक तौर पर उनमें बदलाव आते हैं, उनके सोच बूझ की सलाहियत खत्म हो जाती है और एहसास भी। सिर्फ उस एक चूहे पर थोड़ा बहुत अच्छा असर हुआ था, इसलिए रॉबर्ट अपने वीडियो लॉग में कहता है कि अब इस वैक्सीन को मुझे इंसानों पर टेस्ट करना होगा। रॉबर्ट ने आज तक जितनी भी रिसर्च की थी उसका सारा डेटा रखा हुआ था। इस टेस्ट के बाद वो सैम को लेकर बाहर जाता है कि वीडियो स्टोर से अपने लिए डीवीडीज लेता है। चूंकि काफी समय से रॉबर्ट अकेला था और ऐसा ना हो कि वो पागल हो जाए, तो वो सैम से बातें किया करता था और कभी कभी वो पुतलों से बात किया करता था। खैर पूरा दिन ये लोग बाहर ही रहते हैं। रॉबर्ट ने रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट चलाई थी जिसे हमने शुरू में आपके साथ शेयर किया, तो उसे हमेशा उम्मीद रहती कि शायद उसे और भी सही सलामत इंसान मिल जाए। टाइम पास के लिए वो उस दिन गोल्फ खेल रहा था। सैम को कुछ महसूस होता है, उसे कोई हिरन दिखी थी, तो सैम और रॉबर्ट उसका शिकार करने के लिए भागते हैं, मगर वो हिरन गलती से एक अंधेरी इमारत में चली जाती है। अब सैम भी उसके पीछे चला जाता है। रॉबर्ट बहुत चिल्लाता है कि अंदर मत जाओ, रुको, क्योंकि अंधेरे में वो निशाचर होते हैं जो इंसान का शिकार करते हैं और सिर्फ रात को ही निकलते हैं। अब सैम को लेने के लिए जब रॉबर्ट उस इमारत में जाता है उसे खून नजर आता है, फिर उस हिरन की लाश और थोड़ा आगे जाने पर उसे अंधेरे में काफी निशाचर नजर आते हैं, जिसे देखकर रॉबर्ट काफी घबरा जाता है और सैम को वहां से निकालने की कोशिश करता है, मगर उनमें से एक रॉबर्ट को देख लेता है। रॉबर्ट सैम को भागने के लिए कहता है और खुद भी वहां से भागने लगा। अंदर घना अंधेरा था और वो चीजें बहुत तेज थी। जब तक वो रॉबर्ट को मार पाते, रॉबर्ट खिड़की से छलांग लगाता है, उसके साथ एक निशाचर भी गिर जाता है, मगर वो सूरज की रोशनी में नहीं टिक पाता और तड़प तड़प के मर जाता है। आज रॉबर्ट भी मरते मरते बचा। खैर अब चूंकि उसे अपने प्रयोग के लिए एक बीमार इंसान की जरूरत थी, इसलिए वो उसी बिल्डिंग के दरवाजे पर ट्रैप सेट करता है, चारे के तौर पर अपना थोड़ा सा खून वहां रख देता है, और जब उन निशाचरों में से एक उस खून को पीने आता है तो रॉबर्ट के उस जाल में फंस जाता है। काले कपड़े में लपेटकर रॉबर्ट उसे अपने लेप में लाता है। इसे पकड़ते समय उन निशाचरों में से एक रॉबर्ट को गुस्से से देख रहा था। खैर जिस इन्फेक्टेड इंसान को वो लाया था वो एक औरत थी। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी और सांस लेना भी। रॉबर्ट उसमें वैक्सीन को इंजेक्ट करता है। पहले कुछ लम्हों के लिए उसके शरीर पर तो अच्छा असर हो रहा था, मगर फिर से सब वैसे ही हो जाता है। मतलब कि ये वैक्सीन भी इंसानों पर बेअसर है। रॉबर्ट इस बात से उदास हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आया था कि उसके लाख कोशिशों के बावजूद वो सब ठीक नहीं कर पा रहा। खैर वो क्या कर सकता था। अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है तो बड़ी ही अजीब सी बात होती है। जिस पुतले के साथ अक्सर वो बात किया करता था वो वीडियो स्टोर में होता था, और अजीब बात ये थी कि अब वो स्टोर से बाहर था। रॉबर्ट गंदिए गुस्से में आगे बढ़ता है और पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें किसने यहाँ रखा, क्योंकि शहर में तो रॉबर्ट के अलावा कोई है भी नहीं। उस पुतले का नाम रॉबर्ट ने प्रेड रखा था। वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम खुद बाहर आए। इसके बाद रॉबर्ट को इतना गुस्सा आता है कि वो उस पुतले को शूट कर देता है, उसे घिरा देता है। रॉबर्ट पर एक अजीब सा डरा भी हो गया, या तो वो पागल हो रहा था या शायद कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसका ध्यान आसपास की बिल्डिंग्स पर जाता है। वो ऐसे ही गोलियां चलाने लगा। फिर वो उस प्रेडामी पुतले के करीब जाता है, और जैसे ही वो पानी में पांव रखता है उसके लिए एक जाल बिछाया गया था। जब तक रॉबर्ट को समझ आता वो जाल में फंस चुका था, और इस झटके से उसके सर पर चोट लगती है, वो बेहोश हो जाता है। सैम उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। कुछ घंटे बाद जब रॉबर्ट को होश आता है, सैम अभी भी भौंक रही थी। शाम होने वाली थी। रॉबर्ट अपना होश संभालता है। उसकी घड़ी में अलार्म बज रहा था जो खतरे की निशानी थी कि अब उसे किसी सुरक्षित जगह पर खुद को पहुंचाना होगा। वो उस वायर को काट देता है, अपनी कार की तरफ भागता है, मगर जैसे ही अंधेरा होने लगा निशाचरों के कुत्ते उन पर हमला करते हैं। रॉबर्ट को बचाने में सैम जख्मी हो जाती है।
वो भी उन इन्फेक्टेड कुत्तों से। इस बात से रॉबर्ट को बहुत बुरा लगता है। वो सैम को गाड़ी में लेता है और जल्दी से घर आता है, उसे लैब में ले जाता है। उसे वो वैक्सीन देने की कोशिश करता है, मगर अब सैम बदल रही थी और पिछले 3 साल में रॉबर्ट का सैम के साथ एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। वो उसके परिवार जैसे थी। रॉबर्ट उसे खोना नहीं चाहता था क्योंकि ये डॉग असल में उसकी बेटी का था, मगर वो उसे बचा भी नहीं पाता। इससे पहले कि वो बदल जाए और रॉबर्ट को नुकसान पहुंचाए, मजबूरन रोते हुए रॉबर्ट उसकी गर्दन तोड़ देता है। इस हादसे के बाद रॉबर्ट दुखी रहने लगा। ये डॉग उसे सहारा देता, ये उसके लिए जीने की एक उम्मीद थी, और अब वो पूरी तरह से अकेला हो गया। वो उसे एक जगह दफना देता है। फिर वो उसी शॉप में जाता है जहां वो पुतलों के साथ बात किया करता था। वो एक पुतले के सामने रोते हुए कहता है कि मैंने सैम से वादा किया था, आज मैं तुम्हें हेलो कहूंगा। उस रात रॉबर्ट घर नहीं आता। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो अपना गुस्सा उन निशाचरों पर निकालना चाहता था। वो अपनी कार में बैठा हुआ था। उनमें से बहुतों को कुचल देता है, मगर वो तादाद में ज्यादा थे। रात को बस उन्हीं का राज होता है। अंत में जब वो रॉबर्ट को मारने वाले थे, एक तेज रोशनी हो जाती है और कोई औरत उसे बचा लेती है। रोशनी की वजह से वो इन्फेक्टेड लोग वहां से भाग जाते हैं। बेहोशी की हालत में रॉबर्ट उस औरत को अपने घर का पता बता देता है, मगर ये भी कहता है कि रात के समय वहां मत जाना, वरना वो उस जगह को जान लेंगे। इसके बाद रॉबर्ट को होश नहीं रहता और अगली सुबह जब वो जागता है, वो अपने घर में था। उसके जख्म का इलाज कर दिया गया था। वो गन लेता है, किचन में आता है। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि ये उसकी पत्नी और बेटी है, मगर असल में वहां एक औरत और उसका बेटा था। वो औरत खाना बना रही थी। वो कहती है कि मुझे पास्ता मिला। रॉबर्ट उन्हें देख रहा था। ये औरत अपना नाम एना बताती है। एना रॉबर्ट को भी खाना खाने के लिए कहती है और उसके जख्म के बारे में बात करती है कि आपको कुछ एंटीबायोटिक्स लेने होंगे। रॉबर्ट कुछ नहीं कहता। एना कहती है कि हमने आपका संदेश सुना और यहाँ चले आए। हमने पूरा दिन इंतजार किया, मगर आप वहाँ दिखे नहीं। फिर एना बचे हुए लोगों की बस्ती के बारे में बात करती है। ये बात रॉबर्ट को अजीब लगती है। वो कहता है कि कोई नहीं बचा, सब मर गए। जब एना दोबारा उस जगह के बारे में कहती है तो रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने खाने की प्लेटें गिरा देता है। एना और उसका बच्चा ईथन घबरा जाते हैं। रॉबर्ट उससे माफी मांगता है और अकेले रहने का कहता है। खैर बाद में जब रॉबर्ट शांत हो जाता है तो वो उन दोनों के पास आता है। एना से माफी मांगता है, अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। एना कहती है कि वो भी बचे हुए लोगों में से थी, मगर धीरे धीरे बाकी लोग मर गए। अब सिर्फ ईथन और एना ही बचे है। खैर रॉबर्ट उसे अपना काम दिखाता है कि कैसे वो प्रयोग करके इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। बाद में वो बाहर जाते हैं। रॉबर्ट उसे बताता है कि ये इन्फेक्टेड लोग ये रोशनी में नहीं आ सकते, ये सोच नहीं सकते, मगर इन्होंने मेरे लिए एक जाल बिछाया था। ऐसा लग रहा है जैसे अब ये बॉल भो रहे हो। ये अपने जीने के तरीके को बदल रहे हैं। ये रोशनी में आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पास खाने की कमी है। रॉबर्ट उसे अपना काम दिखाता है कि कैसे वो प्रयोग करके इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। जब ये लोग बाहर थे तो ईथन एक पूल में नहाने जाता है। वो पानी ठंडा था और ईथन के मुंह से निकल जाता है कि ये पानी बहुत ठंडा है। और तब रॉबर्ट को एक ख्याल आता है। उसे लगता है कि ये वायरस तभी असर करेगा जब किसी इन्फेक्टेड इंसान के शरीर का तापमान बहुत कम हो। तो वो वापस घर आते हैं और इस बार रॉबर्ट ढेर सारा बर्फ लेके उस इन्फेक्टेड लड़की के आस पास रख देता है और फिर से उस वैक्सीन को ट्राई करता है और इंतजार करता है ताकि वो दोबारा इस वैक्सीन को ट्राई कर सके। लैब से जब रॉबर्ट ऊपर आता है तो ईथन टीवी के सामने ही सो चुका था। रॉबर्ट उसे गोद में उठाता है और अपनी बेटी मार्ली के कमरे में ले आता है। यहाँ एना को रॉबर्ट के परिवार के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। ईथन को सुलाने के बाद एना और रॉबर्ट की उस बस्ती के बारे में बात होती है। एना कहती है कि मैं जानती हूँ एक बस्ती है जो ठंडे इलाके में है और वहाँ लोग हैं। अभी तक वहाँ वायरस का कोई नामो निशान नहीं। वो रॉबर्ट से कहती है कि आप भी हमारे साथ जाए, ईश्वर यही चाहता है। रॉबर्ट अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मुझे इसका इलाज ढूंढना होगा। एना उसे कहती है कि आप देख नहीं रहे, कल रात आप खुदकुशी करने वाले थे, ईश्वर ने मुझे ठीक समय पर भेजा।
देखो दुनिया में कितनी शांति है, ईश्वर के इशारों को समझो। तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें भी ईश्वर की आवाज सुनाई देगी। रॉबर्ट गुस्से में कहता है कि अच्छा, तुम ईश्वर की आवाज सुनना चाहती हो तो सुनो जरा, ये सब जो हुआ ईश्वर ने नहीं किया। ये तबाही, ये बर्बादी, ये कत्लेआम, ये हमने किया। दुनिया में 6 अरब लोग थे, टीबी वायरस ने 90% लोगों को जकड़ लिया, यानी 5 अरब 40 करोड़ लोग खत्म हो गए, मर गए, बीमार हो गए, तुम्हारे ईश्वर को प्यारे हो गए। बाकी बचे सिर्फ 1% लोग, जैसे मैं, तुम और ईतन। इसके अलावा सभी उन निशाचरों में बदल गए जो अपनी भूख मिटाने के लिए हमारे जैसे लोगों का शिकार करते हैं। हर वो आदमी जिसे मैं और तुम जानते थे मर गए, खत्म हो गए। रॉबर्ट और एना की ये बहस चल रही थी कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। शाम हो चुकी थी। रॉबर्ट ध्यान देता है तो बाहर उन निशाचरों की ही आवाजें थी। रॉबर्ट घबरा जाता है, एना से पूछता है कि जब तुम मुझे यहाँ ला रही थी क्या अंधेरा हो चुका था? एना जवाब देती है कि हाँ। इसका मतलब कि उन निशाचरों ने अब रॉबर्ट के घर को ढूंढ लिया। रॉबर्ट ने सुरक्षा के लिए जो लगाया था वो उसका इस्तेमाल करता है, जैसे तेज रोशनी, लैंड माइंस। वो कापी को तो मार देता है, मगर वो तादाद में इतने ज्यादा थे कि वो घर में दाखिल होने लगे। उनमें से एक इन सभी को लीड कर रहा था। अब रॉबर्ट फैसला करता है कि वो एना और एतन को लेके यहाँ से निकल जाएंगे, मगर उससे पहले ही वो इन्फेक्टेड लोग घर पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट गन लेता है, उनसे लड़ता है। वो एना और एतन को लेके घर के सुरक्षित जगह यानी उस लैब में चले जाते हैं, मगर वो इन्फेक्टेड लोग अब वहाँ भी हमला करते हैं। वो एक शीशे के पार थे और वो शीशा बुलेट प्रूफ था। जब रॉबर्ट और एना वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि टंट में इस वैक्सीन का असर होता है। वो इन्फेक्टेड औरत जिसकी कमर पर एक बटरफ्लाई का टैटू था, वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। बाकी इन्फेक्टेड लोग उस शीशे को तोड़ने और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। रॉबर्ट बहुत कहता है, चिल्लाता है कि मैं तुम सभी को ठीक कर सकता हूँ, तुम बीमार हो। आखिर में वो लीडर आगे आता है। पहले तो जोर जोर से उस शीशे से टकराता है, फिर वो अपने हाथ से एक निशान बनाने की कोशिश करता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि असल में वो जिसे लाया है ये इसका अपना ही कोई है। रॉबर्ट एना को कहता है कि तुम अंदर ही रहो, बस मेरे लिए दरवाजा खोलो। वो इस इन्फेक्टेड औरत को बाहर ले जाता है। उस लीडर की वजह से बाकी लोग उस पर हमला नहीं कर रहे थे। रॉबर्ट उससे सारी आईवी निकाल देता है। वो इन्फेक्टेड आदमी उस औरत को लेता है। ये बात गलत थी कि इनमें फीलिंग्स नहीं होती। वो इन्फेक्टेड आदमी उसे लेता है और वो सब वहां से चले जाते हैं। रॉबर्ट और एना को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अब रॉबर्ट को वायरस का तोड़ मिल चुका था और आगे वो इस कीवी नामी वायरस का खात्मा कर देगा। दुनिया शायद फिर से आबाद हो जाएगी। अंत में रॉबर्ट एना की बात मान लेता है और दोनों ही उस बचे हुए लोगों की बस्ती की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। और यहीं पर इस कहानी का अंत। दोस्तों, अगर वैसे एक सवाल आपके दिमाग में आता है कि बाकी सब की तरह रॉबर्ट इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुआ, तो असल में हुआ ये था कि काफी समय पहले रॉबर्ट को एक इन्फेक्टेड चमगादड़ ने काटा था, जिसकी वजह से वो इम्यून बन गया और हवा के जरिए फैलने वाले इस वायरस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये मूवी में तो नहीं दिखाया गया, मगर इस कहानी के हिसाब से ऐसा ही है। बाकी कहानी इतनी कंफ्यूजिंग नहीं थी और कहते हैं कि इसका कोई दूसरा पार्ट भी आने वाला है, तो शायद हमें वो भी देखने को मिले। उम्मीद करते हैं हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। शायद हमें कुछ अच्छी। मेरा नाम रॉबर्ट नेवल है। इस शहर में सिर्फ मैं एक ही जिंदा इंसान बचा हूँ। ये संदेश मैं रेडियो के हर चैनल पर कर रहा हूँ। हर रोज दोपहर जब सूरज ठीक सर के ऊपर होगा तो मैं तुम्हें साउथ स्ट्रीट सी बोट पर मिलूंगा। अगर तुम मुझे सुन रहे हो, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, रहने की जगह दे सकता हूँ, वायरस से सुरक्षा दे सकता हूँ। अगर कोई भी मेरी आवाज सुन रहा है, कोई भी, तो ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो।
आई एम लेजेंड 2007, कर्नल रॉबर्ट नेवल का संदेश, साल 2012। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूज चैनल की एक खास खबर से। डॉक्टर एलन नामी वायरोलॉजिस्ट को शो पर बुलाया गया था। एलन का दावा था कि उसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। कीवी नामी एक ऐसा वायरस जो इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे फायदा पहुंचाता है। एलन का ये भी दावा था कि उन्होंने 10,000 इंसानों पर इस वायरस का टेस्ट किया है और वो सभी ठीक हो गए। आसान शब्दों में दुनिया के लिए ये कैंसर का इलाज था। यहीं पर सीन कट। और अब हम आते हैं 3 साल आगे। उस वायरस ने इंसानी दुनिया को तबाह कर दिया है। 99% इंसान इसका शिकार हुए, करोड़ों मर गए, जो बचे वो निशाचरों में बदल गए। अपनी भूख मिटाने के लिए वो बाकी बचे इंसानों का शिकार करते। ये शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से हुई थी और अब वो बिल्कुल खाली पड़ा था। हमें US आर्मी का एक वायरोलॉजिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट नेवल था। शायद वही एक जिंदा बचा था। उसके साथ सैम नामी एक डॉग भी थी। पिछले 3 साल से वो इस वीरान शहर में रह रहा था। रॉबर्ट चूंकि एक वैज्ञानिक था, इसलिए पिछले 3 साल से वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था। शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सैम के साथ कार में है और हिरण का पीछा कर रहे हैं। मगर चूंकि अब जानवरों का राज था, इसलिए रॉबर्ट उनमें से किसी का भी शिकार नहीं कर पाता। खैर, गाड़ी रोक कर वो बंदूक लिए शिकार पर निकलता है। मगर उससे पहले ही शेरों का एक परिवार उस हिरण को ढेर कर देता है। शाम होने वाली थी, इसलिए ये सब ऐसे ही छोड़कर रॉबर्ट अपने घर आता है। दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लेता है क्योंकि रात को शहर में निशाचरों का राज होता है। वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते, इसलिए रॉबर्ट को जो भी करना होता है वो दिन में करता है। दिन के समय वो शहर में घूमता है, अपने लिए खाना पानी और सप्लाई जमा करता रहता है, प्लानिंग करता है। मगर उसने कभी यहाँ से जाने का नहीं सोचा क्योंकि कीवी वायरस को इंसानों पर टेस्ट करने में रॉबर्ट का भी हाथ था, इसलिए वो सब ठीक करना चाहता था। उसका कहना था कि ये सब यहीं से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में फैल गया और यहीं से इसे रोका जा सकता है। पिछले 3 साल से वो बिल्कुल अकेले रह रहा था, मगर उसने हार नहीं मानी। सैम ही उसकी अच्छी दोस्त थी। बीच बीच में हमें रॉबर्ट का अतीत और वो समय जब इस वायरस ने सब कुछ तबाह नहीं किया था वो दिखाया जाता है। जैसे जब न्यूयॉर्क शहर में वायरस बेकाबू हो गया तो रॉबर्ट अपनी पत्नी और छोटी बेटी को इस शहर से निकालना चाहता था क्योंकि इस शहर को सील किया जा रहा था। शहर में भगदड़ मची थी, सभी लोग यहाँ से निकलना चाहते थे मगर मिलिट्री उन्हें जाने नहीं दे रही थी। रॉबर्ट के परिवार को एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही थी, मगर हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर जाता है। उसकी पत्नी और बेटी मर जाते हैं। इस सब को हुए 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल में ही कीवी वायरस ने दुनिया से इंसानों का सफाया कर दिया। बस किसी तरह रॉबर्ट इन सब से बचा हुआ था। अब आते हैं वर्तमान में। रात को रॉबर्ट सफर नहीं करता था, वो वॉशरूम के सिंक में सोता था ताकि बाहर जो इन्फेक्टेड लोग है वो उसे ढूंढ ना ले, उसे इनकी गंध ना आए। रात को बाहर से उन निशाचरों की वो डरावनी आवाजें इन्हें सुनाई दे दी थी और ऐसे ही रॉबर्ट अपनी जिंदगी जी रहा था। खैर, अगले दिन जब वो उठता है, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करता है, हम जान पाते हैं कि असल में रॉबर्ट ने घर के बेसमेंट में ही एक लैब बनाई है जिसमें वो काफी समय से चूहों और कभी कभी उन निशाचरों पर प्रयोग करता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद वो उस वायरस का वैक्सीन ढूंढ सके। हाल ही में रॉबर्ट ने चूहों पर वैक्सीन के अलग अलग डोज ट्राई किए थे जिसमें काफी चूहों पर असर नहीं हुआ था। कुछ को वैक्सीन ने मार दिया, सिर्फ एक चूहे पर थोड़ा बहुत असर दिख रहा था। इस वायरस के इन्फेक्टेड होने से जानवर और इंसान एक ऐसी चीज में बदल जाते हैं जिन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आता है। शारीरिक तौर पर उनमें बदलाव आते हैं, उनके सोच बूझ की सलाहियत खत्म हो जाती है और एहसास भी। सिर्फ उस एक चूहे पर थोड़ा बहुत अच्छा असर हुआ था, इसलिए रॉबर्ट अपने वीडियो लॉग में कहता है कि अब इस वैक्सीन को मुझे इंसानों पर टेस्ट करना होगा।
रॉबर्ट ने आज तक जितनी भी रिसर्च की थी उसका सारा डेटा रखा हुआ था। इस टेस्ट के बाद वो सैम को लेकर बाहर जाता है कि वीडियो स्टोर से अपने लिए डीवीडीज लेता है। चूंकि काफी समय से रॉबर्ट अकेला था और ऐसा ना हो कि वो पागल हो जाए तो वो सैम से बातें किया करता था और कभी कभी वो पुतलों से बात किया करता था। खैर पूरा दिन ये लोग बाहर ही रहते हैं। रॉबर्ट ने रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट चलाई थी जिसे हमने शुरू में आपके साथ शेयर किया, तो उसे हमेशा उम्मीद रहती कि शायद उसे और भी सही सलामत इंसान मिल जाए। टाइम पास के लिए वो उस दिन गोल्फ खेल रहा था। सैम को कुछ महसूस होता है, उसे कोई हिरन दिखी थी तो सैम और रॉबर्ट उसका शिकार करने के लिए भागते हैं, मगर वो हिरन गलती से एक अंधेरी इमारत में चली जाती है। अब सैम भी उसके पीछे चला जाता है। रॉबर्ट बहुत चिल्लाता है कि अंदर मत जाओ, रुको, क्योंकि अंधेरे में वो निशाचर होते हैं जो इंसान का शिकार करते हैं और सिर्फ रात को ही निकलते हैं। अब सैम को लेने के लिए जब रॉबर्ट उस इमारत में जाता है उसे खून नजर आता है, फिर उस हिरन की लाश और थोड़ा आगे जाने पर उसे अंधेरे में काफी निशाचर नजर आते हैं, जिसे देखकर रॉबर्ट काफी घबरा जाता है और सैम को वहां से निकालने की कोशिश करता है, मगर उनमें से एक रॉबर्ट को देख लेता है। रॉबर्ट सैम को भागने के लिए कहता है और खुद भी वहां से भागने लगा। अंदर घना अंधेरा था और वो चीजें बहुत तेज थी। जब तक वो रॉबर्ट को मार पाते, रॉबर्ट खिड़की से छलांग लगाता है। उसके साथ एक निशाचर भी गिर जाता है, मगर वो सूरज की रोशनी में नहीं टिक पाता और तड़प तड़प के मर जाता है। आज रॉबर्ट भी मरते मरते बचा। खैर अब चूंकि उसे अपने प्रयोग के लिए एक बीमार इंसान की जरूरत थी, इसलिए वो उसी बिल्डिंग के दरवाजे पर ट्रैप सेट करता है, चारे के तौर पर अपना थोड़ा सा खून वहां रख देता है। और जब उन निशाचरों में से एक उस खून को पीने आता है तो रॉबर्ट के उस जाल में फंस जाता है। काले कपड़े में लपेटकर रॉबर्ट उसे अपने लेब में लाता है। इसे पकड़ते समय उन निशाचरों में से एक रॉबर्ट को गुस्से से देख रहा था। खैर जिस इन्फेक्टेड इंसान को वो लाया था वो एक औरत थी। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी और सांस लेना भी। रॉबर्ट उसमें वैक्सीन को इंजेक्ट करता है। पहले कुछ लम्हों के लिए उसके शरीर पर तो अच्छा असर हो रहा था, मगर फिर से सब वैसे ही हो जाता है। मतलब कि ये वैक्सीन भी इंसानों पर बेअसर है। रॉबर्ट इस बात से उदास हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आया था कि उसके लाख कोशिशों के बावजूद वो सब ठीक नहीं कर पा रहा। खैर वो क्या कर सकता था। अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है तो बड़ी ही अजीब सी बात होती है। जिस पुतले के साथ अक्सर वो बात किया करता था वो वीडियो स्टोर में होता था, और अजीब बात ये थी कि अब वो स्टोर से बाहर था। रॉबर्ट गंदिए गुस्से में आगे बढ़ता है और पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें किसने यहाँ रखा, क्योंकि शहर में तो रॉबर्ट के अलावा कोई है भी नहीं। उस पुतले का नाम रॉबर्ट ने प्रेड रखा था। वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम खुद बाहर आए। इसके बाद रॉबर्ट को इतना गुस्सा आता है कि वो उस पुतले को शूट कर देता है, उसे गिरा देता है। रॉबर्ट पर एक अजीब सा डरा भी हो गया। या तो वो पागल हो रहा था या शायद कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसका ध्यान आसपास की बिल्डिंग्स पर जाता है। वो ऐसे ही गोलियां चलाने लगा। फिर वो उस प्रेड नामी पुतले के करीब जाता है, और जैसे ही वो पानी में पांव रखता है उसके लिए एक जाल बिछाया गया था। जब तक रॉबर्ट को समझ आता वो जाल में फंस चुका था, और इस झटके से उसके सर पर चोट लगती है, वो बेहोश हो जाता है। सैम उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। कुछ घंटे बाद जब रॉबर्ट को होश आता है, सैम अभी भी भौंक रही थी। शाम होने वाली थी। रॉबर्ट अपना होश संभालता है। उसकी घड़ी में अलार्म बज रहा था जो खतरे की निशानी थी कि अब उसे किसी सुरक्षित जगह पर खुद को पहुंचाना होगा। वो उस वायर को काट देता है, अपनी कार की तरफ भागता है, मगर जैसे ही अंधेरा होने लगा निशाचरों के कुत्ते उन पर हमला करते हैं। रॉबर्ट को बचाने में सैम जख्मी हो जाती है, वो भी उन इन्फेक्टेड कुत्तों से। इस बात से रॉबर्ट को बहुत बुरा लगता है। वो सैम को गाड़ी में लेता है और जल्दी से घर आता है। उसे लैब में ले जाता है, उसे वो वैक्सीन देने की कोशिश करता है, मगर अब सैम बदल रही थी और पिछले 3 साल में रॉबर्ट का सैम के साथ एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। वो उसके परिवार जैसी थी। रॉबर्ट उसे कोना नहीं चाहता था क्योंकि ये डॉग असल में उसकी बेटी का था, मगर वो उसे बचा भी नहीं पाता। इससे पहले कि वो बदल जाए और रॉबर्ट को नुकसान पहुंचाए, मजबूरन रोते हुए रॉबर्ट उसकी गर्दन तोड़ देता है। इस हादसे के बाद रॉबर्ट दुखी रहने लगा। ये डॉग उसे सहारा देता, ये उसके लिए जीने की एक उम्मीद थी, और अब वो पूरी तरह से अकेला हो गया। वो उसे एक जगह दफना देता है।
फिर वो उसी शॉप में जाता है जहां वो पुतलों के साथ बात किया करता था। वो एक पुतले के सामने रोते हुए कहता है कि मैंने सैम से वादा किया था, आज मैं तुम्हें हेलो कहूंगा। उस रात रॉबर्ट घर नहीं आता, वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो अपना गुस्सा उन निशाचरों पर निकालना चाहता था। वो अपनी कार में बैठा हुआ था, उनमें से बहुतों को कुचल देता है, मगर वो तादाद में ज्यादा थे। रात को बस उन्हीं का राज होता है। अंत में जब वो रॉबर्ट को मारने वाले थे, एक तेज रोशनी हो जाती है और कोई औरत उसे बचा लेती है। रोशनी की वजह से वो इन्फेक्टेड लोग वहां से भाग जाते हैं। बेहोशी की हालत में रॉबर्ट उस औरत को अपने घर का पता बता देता है, मगर ये भी कहता है कि रात के समय वहां मत जाना, वरना वो उस जगह को जान लेंगे। इसके बाद रॉबर्ट को होश नहीं रहता और अगली सुबह जब वो जागता है, वो अपने घर में था। उसके जख्म का इलाज कर दिया गया था। वो गन लेता है, किचन में आता है। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि ये उसकी पत्नी और बेटी है, मगर असल में वहां एक औरत और उसका बेटा था। वो औरत खाना बना रही थी। वो कहती है कि मुझे पास्ता मिला। रॉबर्ट उन्हें देख रहा था। ये औरत अपना नाम एना बताती है। एना रॉबर्ट को भी खाना खाने के लिए कहती है और उसके जख्म के बारे में बात करती है कि आपको कुछ एंटीबायोटिक्स लेने होंगे। रॉबर्ट कुछ नहीं कहता। एना कहती है कि हमने आपका संदेश सुना और यहाँ चले आए। हमने पूरा दिन इंतजार किया, मगर आप वहाँ दिखे नहीं। फिर एना बचे हुए लोगों की बस्ती के बारे में बात करती है। ये बात रॉबर्ट को अजीब लगती है। वो कहता है कि कोई नहीं बचा, सब मर गए। जब एना दोबारा उस जगह के बारे में कहती है तो रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने खाने की प्लेटें गिरा देता है। एना और उसका बच्चा ईथन घबरा जाते हैं। रॉबर्ट उससे माफी मांगता है और अकेले रहने का कहता है। खैर बाद में जब रॉबर्ट शांत हो जाता है तो वो उन दोनों के पास आता है। एना से माफी मांगता है, अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। एना कहती है कि वो भी बचे हुए लोगों में से थी, मगर धीरे धीरे बाकी लोग मर गए। अब सिर्फ ईथन और एना ही बचे हैं। खैर रॉबर्ट उसे अपना काम दिखाता है कि कैसे वो प्रयोग करके इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। बाद में वो बाहर जाते हैं। रॉबर्ट उसे बताता है कि ये इन्फेक्टेड लोग ये रोशनी में नहीं आ सकते, ये सोच नहीं सकते, मगर इन्होंने मेरे लिए एक जाल बिछाया था। ऐसा लग रहा है जैसे अब ये बॉल भो रहे हो। ये अपने जीने के तरीके को बदल रहे हैं। ये रोशनी में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कहानी की कमी है। रॉबर्ट उसे अपना काम दिखाता है कि कैसे वो प्रयोग करके इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। जब ये लोग बाहर थे तो ईथन एक पूल में नहाने जाता है। वो पानी ठंडा था और ईथन के मुंह से निकल जाता है कि ये पानी बहुत ठंडा है। और तब रॉबर्ट को एक ख्याल आता है। उसे लगता है कि ये वायरस तभी असर करेगा जब किसी इन्फेक्टेड इंसान के शरीर का तापमान बहुत कम हो। तो वो वापस घर आते हैं और इस बार रॉबर्ट ढेर सारा बर्फ लेके उस इन्फेक्टेड लड़की के आसपास रख देता है और फिर से उस वैक्सीन को ट्राई करता है और इंतजार करता है ताकि वो दोबारा इस वैक्सीन को ट्राई कर सके। लैब से जब रॉबर्ट ऊपर आता है तो ईथन टीवी के सामने ही सो चुका था। रॉबर्ट उसे गोद में उठाता है और अपनी बेटी मार्ली के कमरे में ले आता है। यहाँ एना को रॉबर्ट के परिवार के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। ईथन को सुलाने के बाद एना और रॉबर्ट की उस बस्ती के बारे में बात होती है। एना कहती है कि मैं जानती हूँ एक बस्ती है जो ठंडे इलाके में है और वहाँ लोग हैं। अभी तक वहाँ वायरस का कोई नामो निशान नहीं। वो रॉबर्ट से कहती है कि आप भी हमारे साथ जाए, ईश्वर यही चाहता है। रॉबर्ट अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मुझे इसका इलाज ढूंढना होगा। एना उसे कहती है कि आप देख नहीं रहे, कल रात आप खुदकुशी करने वाले थे, ईश्वर ने मुझे ठीक समय पर भेजा। देखो दुनिया में कितनी शांति है, ईश्वर के इशारों को समझो। तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें भी ईश्वर की आवाज सुनाई देगी। रॉबर्ट गुस्से में कहता है कि अच्छा तुम ईश्वर की आवाज सुनना चाहती हो तो सुनो जरा, ये सब जो हुआ ईश्वर ने नहीं किया। ये तबाही, ये बर्बादी, ये कत्लेआम, ये हमने किया। दुनिया में 6 अरब लोग थे कि भी वायरस ने 90% लोगों को जकड़ लिया, यानी 5 अरब 40 करोड़ लोग खत्म हो गए, मर गए, बीमार हो गए, तुम्हारे ईश्वर को प्यारे हो गए। बाकी बचे सिर्फ 1% लोग, जैसे मैं, तुम और ईथन। इसके अलावा सभी उन निशाचरों में बदल गए जो अपनी भूख मिटाने के लिए हमारे जैसे लोगों का शिकार करते हैं।
हर वो आदमी जिसे मैं और तुम जानते थे मर गए, खत्म हो गए। रॉबर्ट और एना की ये बहस चल रही थी कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। शाम हो चुकी थी। रॉबर्ट ध्यान देता है तो बाहर उन निशाचरों की ही आवाजें थी। रॉबर्ट घबरा जाता है, एना से पूछता है कि जब तुम मुझे यहाँ ला रही थी क्या अंधेरा हो चुका था? एना जवाब देती है कि हाँ। इसका मतलब कि उन निशाचरों ने अब रॉबर्ट के घर को ढूंढ लिया। रॉबर्ट ने सुरक्षा के लिए जो लगाया था वो उसका इस्तेमाल करता है, जैसे तेज रोशनी, लैंड माइंस। वो कापी को तो मार देता है मगर वो तादाद में इतने ज्यादा थे कि वो घर में दाखिल होने लगे। उनमें से एक इन सभी को लीड कर रहा था। अब रॉबर्ट फैसला करता है कि वो एना और एथन को लेके यहाँ से निकल जाएंगे, मगर उससे पहले ही वो इन्फेक्टेड लोग घर पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट गन लेता है, उनसे लड़ता है। वो एना और एथन को लेके घर के सुरक्षित जगह यानी उस लैब में चले जाते हैं, मगर वो इन्फेक्टेड लोग अब वहाँ भी हमला करते हैं। वो एक शीशे के पार थे और वो शीशा बुलेट प्रूफ था। जब रॉबर्ट और एना वहाँ आते है तो देखते है कि टंट में इस वैक्सीन का असर होता है। वो इन्फेक्टेड औरत जिसकी कमर पर एक बटरफ्लाई का टैटू था वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। बाकी इन्फेक्टेड लोग उस शीशे को तोड़ने और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। रॉबर्ट बहुत कहता है, चिल्लाता है कि मैं तुम सभी को ठीक कर सकता हूँ, तुम बीमार हो। आखिर में वो लीडर आगे आता है। पहले तो जोर जोर से उस शीशे से टकराता है, फिर वो अपने हाथ से एक निशान बनाने की कोशिश करता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि असल में वो जिसे लाया है ये इसका अपना ही कोई है। रॉबर्ट एना को कहता है कि तुम अंदर ही रहो, बस मेरे लिए दरवाजा खोलो। वो इस इन्फेक्टेड औरत को बाहर ले जाता है। उस लीडर की वजह से बाकी लोग उस पर हमला नहीं कर रहे थे। रॉबर्ट उससे सारी आईवी निकाल देता है। वो इन्फेक्टेड आदमी उस औरत को लेता है। ये बात गलत थी कि इनमें फीलिंग्स नहीं होती। वो इन्फेक्टेड आदमी उसे लेता है और वो सब वहां से चले जाते हैं। रॉबर्ट और एना को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अब रॉबर्ट को वायरस का तोड़ मिल चुका था और आगे वो इस कीवी नामी वायरस का खात्मा कर देगा। दुनिया शायद फिर से आबाद हो जाएगी। अंत में रॉबर्ट एना की बात मान लेता है और दोनों ही उस बचे हुए लोगों की बस्ती की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। और यहीं पर इस कहानी का अंत। दोस्तों, अगर वैसे एक सवाल आपके दिमाग में आता है कि बाकी सब की तरह रॉबर्ट इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुआ, तो असल में हुआ ये था कि काफी समय पहले रॉबर्ट को एक इन्फेक्टेड चमगादड़ ने काटा था, जिसकी वजह से वो इम्यून बन गया और हवा के जरिए फैलने वाले इस वायरस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये मूवी में तो नहीं दिखाया गया, मगर इस कहानी के हिसाब से ऐसा ही है। बाकी कहानी इतनी कन्फ्यूजिंग नहीं थी। और कहते हैं कि इसका कोई दूसरा पार्ट भी आने वाला है, तो शायद हमें वो भी देखने को मिले। उम्मीद करते हैं हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। शायद हमें कुछ अच्छी। मेरा नाम रॉबर्ट नेवल है। इस शहर में सिर्फ मैं एक ही जिंदा इंसान बचा हूँ। ये संदेश मैं रेडियो के हर चैनल पर कर रहा हूँ। हर रोज दोपहर जब सूरज ठीक सर के ऊपर होगा तो मैं तुम्हें साउथ स्ट्रीट सी बोट पर मिलूंगा। अगर तुम मुझे सुन रहे हो, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, रहने की जगह दे सकता हूँ, वायरस से सुरक्षा दे सकता हूँ। अगर कोई भी मेरी आवाज सुन रहा है, कोई भी, तो ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। आई एम लेजेंड 2007। कर्नल रॉबर्ट नेवल का संदेश, साल 2012। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूज चैनल की एक खास खबर से। डॉक्टर एलन नामी वायरोलॉजिस्ट को शो पर बुलाया गया था। एलन का दावा था कि उसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। कीवी नामी एक ऐसा वायरस जो इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे फायदा पहुंचाता है। एलन का ये भी दावा था कि उन्होंने 10,000 इंसानों पर इस वायरस का टेस्ट किया है और वो सभी ठीक हो गए। आसान शब्दों में दुनिया के लिए ये कैंसर का इलाज था।
यहीं पर सीन कट। और अब हम आते हैं 3 साल आगे। उस वायरस ने इंसानी दुनिया को तबाह कर दिया है। 99% इंसान इसका शिकार हुए, करोड़ों मर गए, जो बचे वो निशाचरों में बदल गए। अपनी भूख मिटाने के लिए वो बाकी बचे इंसानों का शिकार करते। ये शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से हुई थी और अब वो बिल्कुल खाली पड़ा था। हमें US आर्मी का एक वायरोलॉजिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट नेवल था। शायद वही एक जिंदा बचा था। उसके साथ सैम नामी एक डॉग भी थी। पिछले 3 साल से वो इस वीरान शहर में रह रहा था। रॉबर्ट चूंकि एक वैज्ञानिक था, इसलिए पिछले 3 साल से वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था। शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सैम के साथ कार में है और हिरण का पीछा कर रहे हैं। मगर चूंकि अब जानवरों का राज था, इसलिए रॉबर्ट उनमें से किसी का भी शिकार नहीं कर पाता। खैर, गाड़ी रोक कर वो बंदूक लिए शिकार पर निकलता है। मगर उससे पहले ही शेरों का एक परिवार उस हिरण को ढेर कर देता है। शाम होने वाली थी, इसलिए ये सब ऐसे ही छोड़कर रॉबर्ट अपने घर आता है। दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लेता है क्योंकि रात को शहर में निशाचरों का राज होता है। वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते, इसलिए रॉबर्ट को जो भी करना होता है वो दिन में करता है। दिन के समय वो शहर में घूमता है, अपने लिए खाना पानी और सप्लाई जमा करता रहता है, प्लानिंग करता है। मगर उसने कभी यहाँ से जाने का नहीं सोचा क्योंकि कीवी वायरस को इंसानों पर टेस्ट करने में रॉबर्ट का भी हाथ था, इसलिए वो सब ठीक करना चाहता था। उसका कहना था कि ये सब यहीं से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में फैल गया और यहीं से इसे रोका जा सकता है। पिछले 3 साल से वो बिल्कुल अकेले रह रहा था, मगर उसने हार नहीं मानी। सैम ही उसकी अच्छी दोस्त थी। बीच बीच में हमें रॉबर्ट का अतीत और वो समय जब इस वायरस ने सब कुछ तबाह नहीं किया था वो दिखाया जाता है। जैसे जब न्यूयॉर्क शहर में वायरस बेकाबू हो गया तो रॉबर्ट अपनी पत्नी और छोटी बेटी को इस शहर से निकालना चाहता था क्योंकि इस शहर को सील किया जा रहा था। शहर में भगदड़ मची थी, सभी लोग यहाँ से निकलना चाहते थे मगर मिलिट्री उन्हें जाने नहीं दे रही थी। रॉबर्ट के परिवार को एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही थी, मगर हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर जाता है। उसकी पत्नी और बेटी मर जाते हैं। इस सब को हुए 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल में ही कीवी वायरस ने दुनिया से इंसानों का सफाया कर दिया। बस किसी तरह रॉबर्ट इन सब से बचा हुआ था। अब आते हैं वर्तमान में। रात को रॉबर्ट सफर नहीं करता था, वो वॉशरूम के सिंक में सोता था ताकि बाहर जो इन्फेक्टेड लोग है वो उसे ढूंढ ना ले, उसे इनकी गंध ना आए। रात को बाहर से उन निशाचरों की वो डरावनी आवाजें इन्हें सुनाई दे दी थी और ऐसे ही रॉबर्ट अपनी जिंदगी जी रहा था। खैर, अगले दिन जब वो उठता है, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करता है, हम जान पाते हैं कि असल में रॉबर्ट ने घर के बेसमेंट में ही एक लैब बनाई है जिसमें वो काफी समय से चूहों और कभी कभी उन निशाचरों पर प्रयोग करता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद वो उस वायरस का वैक्सीन ढूंढ सके। हाल ही में रॉबर्ट ने चूहों पर वैक्सीन के अलग अलग डोज ट्राई किए थे जिसमें काफी चूहों पर असर नहीं हुआ था। कुछ को वैक्सीन ने मार दिया, सिर्फ एक चूहे पर थोड़ा बहुत असर दिख रहा था। इस वायरस के इन्फेक्टेड होने से जानवर और इंसान एक ऐसी चीज में बदल जाते हैं जिन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आता है। शारीरिक तौर पर उनमें बदलाव आते हैं, उनके सोच बूझ की सलाहियत खत्म हो जाती है और एहसास भी। सिर्फ उस एक चूहे पर थोड़ा बहुत अच्छा असर हुआ था, इसलिए रॉबर्ट अपने वीडियो लॉग में कहता है कि अब इस वैक्सीन को मुझे इंसानों पर टेस्ट करना होगा। रॉबर्ट ने आज तक जितनी भी रिसर्च की थी उसका सारा डेटा रखा हुआ था। इस टेस्ट के बाद वो सैम को लेकर बाहर जाता है कि वीडियो स्टोर से अपने लिए DVDs लेता है। चूंकि काफी समय से रॉबर्ट अकेला था और ऐसा ना हो कि वो पागल हो जाए तो वो सैम से बातें किया करता था और कभी कभी वो पुतलों से बात किया करता था। खैर, पूरा दिन ये लोग बाहर ही रहते है। रॉबर्ट ने रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट चलाई थी जिसे हमने शुरू में आपके साथ शेयर किया, तो उसे हमेशा उम्मीद रहती कि शायद उसे और भी सही सलामत इंसान मिल जाए। टाइम पास के लिए वो उस दिन गोल्फ खेल रहा था। सैम को कुछ महसूस होता है, उसे कोई हिरन दिखी थी तो सैम और रॉबर्ट उसका शिकार करने के लिए भागते हैं, मगर वो हिरन गलती से एक अंधेरी इमारत में चली जाती है।
अब सैम भी उसके पीछे चला जाता है। रॉबर्ट बहुत चिल्लाता है कि अंदर मत जाओ, रुको, क्योंकि अंधेरे में वो निशाचर होते हैं जो इंसान का शिकार करते हैं और सिर्फ रात को ही निकलते हैं। अब सैम को लेने के लिए जब रॉबर्ट उस इमारत में जाता है, उसे खून नजर आता है, फिर उस हिरन की लाश और थोड़ा आगे जाने पर उसे अंधेरे में काफी निशाचर नजर आते हैं, जिसे देखकर रॉबर्ट काफी घबरा जाता है और सैम को वहां से निकालने की कोशिश करता है, मगर उनमें से एक रॉबर्ट को देख लेता है। रॉबर्ट सैम को भागने के लिए कहता है और खुद भी वहां से भागने लगा। अंदर घना अंधेरा था और वो चीजें बहुत तेज थी। जब तक वो रॉबर्ट को मार पाते, रॉबर्ट खिड़की से छलांग लगाता है। उसके साथ एक निशाचर भी गिर जाता है, मगर वो सूरज की रोशनी में नहीं टिक पाता और तड़प तड़प के मर जाता है। आज रॉबर्ट भी मरते मरते बचा। खैर, अब चूंकि उसे अपने प्रयोग के लिए एक बीमार इंसान की जरूरत थी, इसलिए वो उसी बिल्डिंग के दरवाजे पर ट्रैप सेट करता है, चारे के तौर पर अपना थोड़ा सा खून वहां रख देता है। और जब उन निशाचरों में से एक उस खून को पीने आता है, तो रॉबर्ट के उस जाल में फंस जाता है। काले कपड़े में लपेटकर रॉबर्ट उसे अपने लेप में लाता है। इसे पकड़ते समय उन निशाचरों में से एक रॉबर्ट को गुस्से से देख रहा था। खैर, जिस इन्फेक्टेड इंसान को वो लाया था, वो एक औरत थी। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी और सांस लेना भी। रॉबर्ट उसमें वैक्सीन को इंजेक्ट करता है। पहले कुछ लम्हों के लिए उसके शरीर पर तो अच्छा असर हो रहा था, मगर फिर से सब वैसे ही हो जाता है। मतलब कि ये वैक्सीन भी इंसानों पर बेअसर है। रॉबर्ट इस बात से उदास हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आया था कि उसके लाख कोशिशों के बावजूद वो सब ठीक नहीं कर पा रहा। खैर, वो क्या कर सकता था। अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है, तो बड़ी ही अजीब सी बात होती है। जिस पुतले के साथ अक्सर वो बात किया करता था, वो वीडियो स्टोर में होता था। और अजीब बात ये थी कि अब वो स्टोर से बाहर था। रॉबर्ट गंदिए गुस्से में आगे बढ़ता है और पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें किसने यहाँ रखा, क्योंकि शहर में तो रॉबर्ट के अलावा कोई है भी नहीं। उस पुतले का नाम रॉबर्ट ने प्रेड रखा था। वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम खुद बाहर आए। इसके बाद रॉबर्ट को इतना गुस्सा आता है कि वो उस पुतले को शूट कर देता है, उसे गिरा देता है। रॉबर्ट पर एक अजीब सा डरा भी हो गया। या तो वो पागल हो रहा था, या शायद कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसका ध्यान आसपास की बिल्डिंग्स पर जाता है। वो ऐसे ही गोलियां चलाने लगा। फिर वो उस प्रेड नामी पुतले के करीब जाता है, और जैसे ही वो पानी में पांव रखता है, उसके लिए एक जाल बिछाया गया था। जब तक रॉबर्ट को समझ आता, वो जाल में फंस चुका था और इस झटके से उसके सर पर चोट लगती है, वो बेहोश हो जाता है। सैम उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। कुछ घंटे बाद जब रॉबर्ट को होश आता है, सैम अभी भी भौंक रही थी। शाम होने वाली थी। रॉबर्ट अपना होश संभालता है। उसकी घड़ी में अलार्म बज रहा था, जो खतरे की निशानी थी कि अब उसे किसी सुरक्षित जगह पर खुद को पहुंचाना होगा। वो उस वायर को काट देता है, अपनी कार की तरफ भागता है, मगर जैसे ही अंधेरा होने लगा, निशाचरों के कुत्ते उन पर हमला करते हैं। रॉबर्ट को बचाने में सैम जख्मी हो जाती है, वो भी उन इन्फेक्टेड कुत्तों से। इस बात से रॉबर्ट को बहुत बुरा लगता है। वो सैम को गाड़ी में लेता है और जल्दी से घर आता है, उसे लैब में ले जाता है। उसे वो वैक्सीन देने की कोशिश करता है, मगर अब सैम बदल रही थी और पिछले 3 साल में रॉबर्ट का सैम के साथ एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। वो उसके परिवार जैसे थी। रॉबर्ट उसे कोना नहीं चाहता था, क्योंकि ये डॉग असल में उसकी बेटी का था, मगर वो उसे बचा भी नहीं पाता। इससे पहले कि वो बदल जाए और रॉबर्ट को नुकसान पहुंचाए, मजबूरन रोते हुए रॉबर्ट उसकी गर्दन तोड़ देता है। इस हादसे के बाद रॉबर्ट दुखी रहने लगा। ये डॉग उसे सहारा देता, ये उसके लिए जीने की एक उम्मीद थी, और अब वो पूरी तरह से अकेला हो गया। वो उसे एक जगह दफना देता है। फिर वो उसी शॉप में जाता है जहां वो पुतलों के साथ बात किया करता था। वो एक पुतले के सामने रोते हुए कहता है कि मैंने सैम से वादा किया था, आज मैं तुम्हें हेलो कहूंगा। उस रात रॉबर्ट घर नहीं आता। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो अपना गुस्सा उन निशाचरों पर निकालना चाहता था। वो अपनी कार में बैठा हुआ था, उनमें से बहुतों को कुचल देता है, मगर वो तादाद में ज्यादा थे। रात को बस उन्हीं का राज होता है। अंत में जब वो रॉबर्ट को मारने वाले थे, एक तेज रोशनी हो जाती है और कोई औरत उसे बचा लेती है। रोशनी की वजह से वो इन्फेक्टेड लोग वहां से भाग जाते हैं। बेहोशी की हालत में रॉबर्ट उस औरत को अपने घर का पता बता देता है।
मगर ये भी कहता है कि रात के समय वहां मत जाना वरना वो उस जगह को जान लेंगे। इसके बाद रॉबर्ट को होश नहीं रहता और अगली सुबह जब वो जागता है वो अपने घर में था। उसके जख्म का इलाज कर दिया गया था। वो गन लेता है, किचन में आता है। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि ये उसकी पत्नी और बेटी है, मगर असल में वहाँ एक औरत और उसका बेटा था। वो औरत खाना बना रही थी। वो कहती है कि मुझे पास्ता मिला। रॉबर्ट उन्हें देख रहा था। ये औरत अपना नाम एना बताती है। एना रॉबर्ट को भी खाना खाने के लिए कहती है और उसके जख्म के बारे में बात करती है कि आपको कुछ एंटीबायोटिक्स लेने होंगे। रॉबर्ट कुछ नहीं कहता। एना कहती है कि हमने आपका संदेश सुना और यहाँ चले आए। हमने पूरा दिन इंतजार किया मगर आप वहाँ दिखे नहीं। फिर एना बचे हुए लोगों की बस्ती के बारे में बात करती है। ये बात रॉबर्ट को अजीब लगती है। वो कहता है कि कोई नहीं बचा, सब मर गए। जब एना दोबारा उस जगह के बारे में कहती है तो रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने खाने की प्लेटें गिरा देता है। एना और उसका बच्चा ईतन घबरा जाते हैं। रॉबर्ट उससे माफी मांगता है और अकेले रहने का कहता है। खैर बाद में जब रॉबर्ट शांत हो जाता है तो वो उन दोनों के पास आता है। एना से माफी मांगता है, अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। एना कहती है कि वो भी बचे हुए लोगों में से थी, मगर धीरे धीरे बाकी लोग मर गए। अब सिर्फ ईतन और एना ही बचे हैं। खैर रॉबर्ट उसे अपना काम दिखाता है कि कैसे वो प्रयोग करके इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। बाद में वो बाहर जाते हैं। रॉबर्ट उसे बताता है कि ये इन्फेक्टेड लोग ये रोशनी में नहीं आ सकते, ये सोच नहीं सकते, मगर इन्होंने मेरे लिए एक जाल बिछाया था। ऐसा लग रहा है जैसे अब ये बोल भो रहे हो। ये अपने जीने के तरीके को बदल रहे है। ये रोशनी में आने की कोशिश कर रहे है क्योंकि इनके पास कहानी की कमी है। रॉबर्ट उसे अपना काम दिखाता है कि कैसे वो प्रयोग करके इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। जब ये लोग बाहर थे तो ईतन एक पूल में नहाने जाता है। वो पानी ठंडा था और ईतन के मुंह से निकल जाता है कि ये पानी बहुत ठंडा है। और तब रॉबर्ट को एक ख्याल आता है। उसे लगता है कि ये वायरस तभी असर करेगा जब किसी इन्फेक्टेड इंसान के शरीर का तापमान बहुत कम हो। तो वो वापस घर आते हैं और इस बार रॉबर्ट ढेर सारा बर्फ लेके उस इन्फेक्टेड लड़की के आसपास रख देता है और फिर से उस वैक्सीन को ट्राई करता है और इंतजार करता है ताकि वो दोबारा इस वैक्सीन को ट्राई कर सके। लैब से जब रॉबर्ट ऊपर आता है तो ईथन टीवी के सामने ही सो चुका था। रॉबर्ट उसे गोद में उठाता है और अपनी बेटी मार्ली के कमरे में ले आता है। यहाँ एना को रॉबर्ट के परिवार के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। ईतन को सुलाने के बाद एना और रॉबर्ट की उस बस्ती के बारे में बात होती है। एना कहती है कि मैं जानती हूँ एक बस्ती है जो ठंडे इलाके में है और वहाँ लोग हैं। अभी तक वहाँ वायरस का कोई नामो निशान नहीं। वो रॉबर्ट से कहती है कि आप भी हमारे साथ जाए, ईश्वर यही चाहता है। रॉबर्ट अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मुझे इसका इलाज ढूंढना होगा। एना उसे कहती है कि आप देख नहीं रहे, कल रात आप खुदकुशी करने वाले थे, ईश्वर ने मुझे ठीक समय पर भेजा। देखो दुनिया में कितनी शांति है, ईश्वर के इशारों को समझो। तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें भी ईश्वर की आवाज सुनाई देगी। रॉबर्ट गुस्से में कहता है कि अच्छा तुम ईश्वर की आवाज सुनना चाहती हो तो सुनो जरा, ये सब जो हुआ ईश्वर ने नहीं किया। ये तबाही, ये बर्बादी, ये कत्लेआम, ये हमने किया। दुनिया में 6 अरब लोग थे कि भी वायरस ने 90% लोगों को जकड़ लिया, यानी 5 अरब 40 करोड़ लोग खत्म हो गए, मर गए, बीमार हो गए, तुम्हारे ईश्वर को प्यारे हो गए। बाकी बचे सिर्फ 1% लोग जैसे मैं, तुम और ईतन। इसके अलावा सभी उन निशाचरों में बदल गए जो अपनी भूख मिटाने के लिए हमारे जैसे लोगों का शिकार करते हैं। हर वो आदमी जिसे मैं और तुम जानते थे मर गए, खत्म हो गए। रॉबर्ट और एना की ये बहस चल रही थी कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। शाम हो चुकी थी। रॉबर्ट ध्यान देता है तो बाहर उन निशाचरों की ही आवाजें थी। रॉबर्ट घबरा जाता है। एना से पूछता है कि जब तुम मुझे यहाँ ला रही थी क्या अंधेरा हो चुका था? एना जवाब देती है कि हाँ। इसका मतलब कि उन निशाचरों ने अब रॉबर्ट के घर को ढूंढ लिया। रॉबर्ट ने सुरक्षा के लिए जो लगाया था वो उसका इस्तेमाल करता है, जैसे तेज रोशनी, लैंड माइंस। वो कापी को तो मार देता है मगर वो तादाद में इतने ज्यादा थे कि वो घर में दाखिल होने लगे। उनमें से एक इन सभी को लीड कर रहा था
अब रॉबर्ट फैसला करता है कि वो एना और एथन को लेके यहाँ से निकल जाएंगे, मगर उससे पहले ही वो इन्फेक्टेड लोग घर पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट गन लेता है, उनसे लड़ता है। वो एना और एथन को लेके घर के सुरक्षित जगह यानी उस लैब में चले जाते हैं, मगर वो इन्फेक्टेड लोग अब वहाँ भी हमला करते है। वो एक शीशे के पार थे और वो शीशा बुलेट प्रूफ था। जब रॉबर्ट और एना वहाँ आते है तो देखते है कि टंट में इस वैक्सीन का असर होता है। वो इन्फेक्टेड औरत जिसकी कमर पर एक बटरफ्लाई का टैटू था, वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। बाकी इन्फेक्टेड लोग उस शीशे को तोड़ने और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। रॉबर्ट बहुत कहता है, चिल्लाता है कि मैं तुम सभी को ठीक कर सकता हूँ, तुम बीमार हो। आखिर में वो लीडर आगे आता है, पहले तो जोर जोर से उस शीशे से टकराता है, फिर वो अपने हाथ से एक निशान बनाने की कोशिश करता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि असल में वो जिसे लाया है ये इसका अपना ही कोई है। रॉबर्ट एना को कहता है कि तुम अंदर ही रहो, बस मेरे लिए दरवाजा खोलो। वो इस इन्फेक्टेड औरत को बाहर ले जाता है। उस लीडर की वजह से बाकी लोग उस पर हमला नहीं कर रहे थे। रॉबर्ट उससे सारी आईवी निकाल देता है। वो इन्फेक्टेड आदमी उस औरत को लेता है, ये बात गलत थी कि इनमें फीलिंग्स नहीं होती। वो इन्फेक्टेड आदमी उसे लेता है और वो सब वहां से चले जाते हैं। रॉबर्ट और एना को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अब रॉबर्ट को वायरस का तोड़ मिल चुका था और आगे वो इस कीवी नामी वायरस का खात्मा कर देगा, दुनिया शायद फिर से आबाद हो जाएगी। अंत में रॉबर्ट एना की बात मान लेता है और दोनों ही उस बचे हुए लोगों की बस्ती की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। और यहीं पर इस कहानी का अंत। दोस्तों, अगर वैसे एक सवाल आपके दिमाग में आता है कि बाकी सब की तरह रॉबर्ट इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुआ, तो असल में हुआ ये था कि काफी समय पहले रॉबर्ट को एक इन्फेक्टेड चमगादड़ ने काटा था, जिसकी वजह से वो इम्यून बन गया और हवा के जरिए फैलने वाले इस वायरस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये मूवी में तो नहीं दिखाया गया, मगर इस कहानी के हिसाब से ऐसा ही है। बाकी कहानी इतनी कंफ्यूजिंग नहीं थी, और कहते हैं कि इसका कोई दूसरा पार्ट भी आने वाला है, तो शायद हमें वो भी देखने को मिले। उम्मीद करते हैं हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। शायद हमें कुछ अच्छी। मेरा नाम रॉबर्ट नेवल है। इस शहर में सिर्फ मैं एक ही जिंदा इंसान बचा हूँ। ये संदेश मैं रेडियो के हर चैनल पर कर रहा हूँ। हर रोज दोपहर जब सूरज ठीक सर के ऊपर होगा, तो मैं तुम्हें साउथ स्ट्रीट सी बोट पर मिलूंगा। अगर तुम मुझे सुन रहे हो, अगर तुम्हें मदद चाहिए, तो मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ, रहने की जगह दे सकता हूँ, वायरस से सुरक्षा दे सकता हूँ। अगर कोई भी मेरी आवाज सुन रहा है, कोई भी, तो ये जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। आई एम लेजेंड 2007। कर्नल रॉबर्ट नेवल का संदेश, साल 2012। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। तो इस कहानी की शुरुआत होती है न्यूज चैनल की एक खास खबर से। डॉक्टर एलन नामी वायरोलॉजिस्ट को शो पर बुलाया गया था। एलन का दावा था कि उसने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। कीवी नामी एक ऐसा वायरस जो इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे फायदा पहुंचाता है। एलन का ये भी दावा था कि उन्होंने 10,000 इंसानों पर इस वायरस का टेस्ट किया है और वो सभी ठीक हो गए। आसान शब्दों में दुनिया के लिए ये कैंसर का इलाज था। यहीं पर सीन कट। और अब हम आते हैं 3 साल आगे। उस वायरस ने इंसानी दुनिया को तबाह कर दिया है। 99% इंसान इसका शिकार हुए, करोड़ों मर गए, जो बचे वो निशाचरों में बदल गए। अपनी भूख मिटाने के लिए वो बाकी बचे इंसानों का शिकार करते। ये शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से हुई थी और अब वो बिल्कुल खाली पड़ा था। हमें यूएस आर्मी का एक वायरोलॉजिस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबर्ट नेवल था। शायद वही एक जिंदा बचा था। उसके साथ सैम नामी एक डॉग भी थी। पिछले 3 साल से वो इस वीरान शहर में रह रहा था। रॉबर्ट चूंकि एक वैज्ञानिक था,
इसलिए पिछले 3 साल से वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था। शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सैम के साथ कार में है और हिरण का पीछा कर रहे हैं। मगर चूंकि अब जानवरों का राज था, इसलिए रॉबर्ट उनमें से किसी का भी शिकार नहीं कर पाता। खैर, गाड़ी रोककर वो बंदूक लिए शिकार पर निकलता है, मगर उससे पहले ही शेरों का एक परिवार उस हिरण को ढेर कर देता है। शाम होने वाली थी, इसलिए ये सब ऐसे ही छोड़कर रॉबर्ट अपने घर आता है। दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लेता है, क्योंकि रात को शहर में निशाचरों का राज होता है। वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते, इसलिए रॉबर्ट को जो भी करना होता है वो दिन में करता है। दिन के समय वो शहर में घूमता है, अपने लिए खाना पानी और सप्लाई जमा करता रहता है, प्लानिंग करता है। मगर उसने कभी यहाँ से जाने का नहीं सोचा, क्योंकि कीवी वायरस को इंसानों पर टेस्ट करने में रॉबर्ट का भी हाथ था, इसलिए वो सब ठीक करना चाहता था। उसका कहना था कि ये सब यहीं से शुरू हुआ था और पूरी दुनिया में फैल गया और यहीं से इसे रोका जा सकता है। पिछले 3 साल से वो बिल्कुल अकेले रह रहा था, मगर उसने हार नहीं मानी। सैम ही उसकी अच्छी दोस्त थी। बीच बीच में हमें रॉबर्ट का अतीत और वो समय जब इस वायरस ने सब कुछ तबाह नहीं किया था वो दिखाया जाता है। जैसे जब न्यूयॉर्क शहर में वायरस बेकाबू हो गया तो रॉबर्ट अपनी पत्नी और छोटी बेटी को इस शहर से निकालना चाहता था, क्योंकि इस शहर को सील किया जा रहा था। शहर में भगदड़ मची थी, सभी लोग यहाँ से निकलना चाहते थे, मगर मिलिट्री उन्हें जाने नहीं दे रही थी। रॉबर्ट के परिवार को एक हेलीकॉप्टर में यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही थी, मगर हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर जाता है। उसकी पत्नी और बेटी मर जाते हैं। इस सब को हुए 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल में ही कीवी वायरस ने दुनिया से इंसानों का सफाया कर दिया। बस किसी तरह रॉबर्ट इन सब से बचा हुआ था। अब आते हैं वर्तमान में। रात को रॉबर्ट सफर नहीं करता था, वो वॉशरूम के सिंक में सोता था, ताकि बाहर जो इन्फेक्टेड लोग है वो उसे ढूंढ ना ले, उसे इनकी गंध ना आए। रात को बाहर से उन निशाचरों की वो डरावनी आवाजें इन्हें सुनाई दे दी थी, और ऐसे ही रॉबर्ट अपनी जिंदगी जी रहा था। खैर, अगले दिन जब वो उठता है, अपनी डेली रूटीन को फॉलो करता है, हम जान पाते हैं कि असल में रॉबर्ट ने घर के बेसमेंट में ही एक लैब बनाई है, जिसमें वो काफी समय से चूहों और कभी कभी उन निशाचरों पर प्रयोग करता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद वो उस वायरस का वैक्सीन ढूंढ सके। हाल ही में रॉबर्ट ने चूहों पर वैक्सीन के अलग अलग डोज ट्राई किए थे, जिसमें काफी चूहों पर असर नहीं हुआ था। कुछ को वैक्सीन ने मार दिया, सिर्फ एक चूहे पर थोड़ा बहुत असर दिख रहा था। इस वायरस के इन्फेक्टेड होने से जानवर और इंसान एक ऐसी चीज में बदल जाते हैं जिन्हें हद से ज्यादा गुस्सा आता है। शारीरिक तौर पर उनमें बदलाव आते हैं, उनके सोच बूझ की सलाहियत खत्म हो जाती है और एहसास भी। सिर्फ उस एक चूहे पर थोड़ा बहुत अच्छा असर हुआ था, इसलिए रॉबर्ट अपने वीडियो लॉग में कहता है कि अब इस वैक्सीन को मुझे इंसानों पर टेस्ट करना होगा। रॉबर्ट ने आज तक जितनी भी रिसर्च की थी उसका सारा डेटा रखा हुआ था। इस टेस्ट के बाद वो सैम को लेकर बाहर जाता है कि वीडियो स्टोर से अपने लिए डीवीडीज लेता है। चूंकि काफी समय से रॉबर्ट अकेला था और ऐसा ना हो कि वो पागल हो जाए, तो वो सैम से बातें किया करता था और कभी कभी वो पुतलों से बात किया करता था। खैर, पूरा दिन ये लोग बाहर ही रहते है। रॉबर्ट ने रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट चलाई थी जिसे हमने शुरू में आपके साथ शेयर किया, तो उसे हमेशा उम्मीद रहती कि शायद उसे और भी सही सलामत इंसान मिल जाए। टाइम पास के लिए वो उस दिन गोल्फ खेल रहा था। सैम को कुछ महसूस होता है, उसे कोई हिरन दिखी थी, तो सैम और रॉबर्ट उसका शिकार करने के लिए भागते हैं, मगर वो हिरन गलती से एक अंधेरी इमारत में चली जाती है। अब सैम भी उसके पीछे चला जाता है। रॉबर्ट बहुत चिल्लाता है कि अंदर मत जाओ, रुको, क्योंकि अंधेरे में वो निशाचर होते हैं जो इंसान का शिकार करते हैं और सिर्फ रात को ही निकलते हैं। अब सैम को लेने के लिए जब रॉबर्ट उस इमारत में जाता है, उसे खून नजर आता है, फिर उस हिरन की लाश और थोड़ा आगे जाने पर उसे अंधेरे में काफी निशाचर नजर आते हैं, जिसे देखकर रॉबर्ट काफी घबरा जाता है और सैम को वहां से निकालने की कोशिश करता है, मगर उनमें से एक रॉबर्ट को देख लेता है। रॉबर्ट सैम को भागने के लिए कहता है और खुद भी वहां से भागने लगा। अंदर घना अंधेरा था और वो चीजें बहुत तेज थी,
जब तक वो रॉबर्ट को मार पाते, रॉबर्ट खिड़की से छलांग लगाता है। उसके साथ एक निशाचर भी गिर जाता है, मगर वो सूरज की रोशनी में नहीं टिक पाता और तड़प तड़प के मर जाता है। आज रॉबर्ट भी मरते मरते बचा। खैर, अब चूंकि उसे अपने प्रयोग के लिए एक बीमार इंसान की जरूरत थी, इसलिए वो उसी बिल्डिंग के दरवाजे पर ट्रैप सेट करता है, चारे के तौर पर अपना थोड़ा सा खून वहां रख देता है। और जब उन निशाचरों में से एक उस खून को पीने आता है, तो रॉबर्ट के उस जाल में फंस जाता है। काले कपड़े में लपेटकर रॉबर्ट उसे अपने लेप में लाता है। इसे पकड़ते समय उन निशाचरों में से एक रॉबर्ट को गुस्से से देख रहा था। खैर, जिस इन्फेक्टेड इंसान को वो लाया था वो एक औरत थी। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी और सांस लेना भी। रॉबर्ट उसमें वैक्सीन को इंजेक्ट करता है। पहले कुछ लम्हों के लिए उसके शरीर पर तो अच्छा असर हो रहा था, मगर फिर से सब वैसे ही हो जाता है। मतलब कि ये वैक्सीन भी इंसानों पर बेअसर है। रॉबर्ट इस बात से उदास हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आया था कि उसके लाख कोशिशों के बावजूद वो सब ठीक नहीं कर पा रहा। खैर, वो क्या कर सकता था। अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है तो बड़ी ही अजीब सी बात होती है। जिस पुतले के साथ अक्सर वो बात किया करता था, वो वीडियो स्टोर में होता था। और अजीब बात ये थी कि अब वो स्टोर से बाहर था। रॉबर्ट गंदिए गुस्से में आगे बढ़ता है और पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें किसने यहाँ रखा, क्योंकि शहर में तो रॉबर्ट के अलावा कोई है भी नहीं। उस पुतले का नाम रॉबर्ट ने प्रेड रखा था। वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम खुद बाहर आए। इसके बाद रॉबर्ट को इतना गुस्सा आता है कि वो उस पुतले को शूट कर देता है, उसे गिरा देता है। रॉबर्ट पर एक अजीब सा डर हावी हो गया। या तो वो पागल हो रहा था या शायद कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसका ध्यान आसपास की बिल्डिंग्स पर जाता है। वो ऐसे ही गोलियां चलाने लगा। फिर वो उस प्रेडामी पुतले के करीब जाता है और जैसे ही वो पानी में पांव रखता है, उसके लिए एक जाल बिछाया गया था। जब तक रॉबर्ट को समझ आता, वो जाल में फंस चुका था और इस झटके से उसके सर पर चोट लगती है, वो बेहोश हो जाता है। सैम उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। कुछ घंटे बाद जब रॉबर्ट को होश आता है, सैम अभी भी भौंक रही थी। शाम होने वाली थी। रॉबर्ट अपना होश संभालता है। उसकी घड़ी में अलार्म बज रहा था, जो खतरे की निशानी थी कि अब उसे किसी सुरक्षित जगह पर खुद को पहुंचाना होगा। वो उस वायर को काट देता है, अपनी कार की तरफ भागता है। मगर जैसे ही अंधेरा होने लगा, निशाचरों के कुत्ते उन पर हमला करते हैं। रॉबर्ट को बचाने में सैम जख्मी हो जाती है, वो भी उन इन्फेक्टेड कुत्तों से। इस बात से रॉबर्ट को बहुत बुरा लगता है। वो सैम को गाड़ी में लेता है और जल्दी से घर आता है। उसे लैब में ले जाता है, उसे वो वैक्सीन देने की कोशिश करता है। मगर अब सैम बदल रही थी और पिछले 3 साल में रॉबर्ट का सैम के साथ एक मजबूत रिश्ता बन चुका था। वो उसके परिवार जैसी थी। रॉबर्ट उसे कोना नहीं चाहता था, क्योंकि ये डॉग असल में उसकी बेटी का था। मगर वो उसे बचा भी नहीं पाता। इससे पहले कि वो बदल जाए और रॉबर्ट को नुकसान पहुंचाए, मजबूरन रोते हुए रॉबर्ट उसकी गर्दन तोड़ देता है। इस हादसे के बाद रॉबर्ट दुखी रहने लगा। ये डॉग उसे सहारा देता, ये उसके लिए जीने की एक उम्मीद थी। और अब वो पूरी तरह से अकेला हो गया। वो उसे एक जगह दफना देता है। फिर वो उसी शॉप में जाता है जहां वो पुतलों के साथ बात किया करता था। वो एक पुतले के सामने रोते हुए कहता है कि मैंने सैम से वादा किया था, आज मैं तुम्हें हेलो कहूंगा। उस रात रॉबर्ट घर नहीं आता। वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो अपना गुस्सा उन निशाचरों पर निकालना चाहता था। वो अपनी कार में बैठा हुआ था, उनमें से बहुतों को कुचल देता है। मगर वो तादाद में ज्यादा थे, रात को बस उन्हीं का राज होता है। अंत में जब वो रॉबर्ट को मारने वाले थे, एक तेज रोशनी हो जाती है और कोई औरत उसे बचा लेती है। रोशनी की वजह से वो इन्फेक्टेड लोग वहां से भाग जाते हैं। बेहोशी की हालत में रॉबर्ट उस औरत को अपने घर का पता बता देता है, मगर ये भी कहता है कि रात के समय वहां मत जाना, वरना वो उस जगह को जान लेंगे। इसके बाद रॉबर्ट को होश नहीं रहता और अगली सुबह जब वो जागता है, वो अपने घर में था। उसके जख्म का इलाज कर दिया गया था। वो गन लेता है, किचन में आता है। एक लम्हे के लिए उसे लगा कि ये उसकी पत्नी और बेटी है, मगर असल में वहां एक औरत और उसका बेटा था। वो औरत खाना बना रही थी। वो कहती है कि मुझे पास्ता मिला। रॉबर्ट उन्हें देख रहा था। ये औरत अपना नाम एना बताती है। एना रॉबर्ट को भी खाना खाने के लिए कहती है और उसके जख्म के बारे में बात करती है कि आपको कुछ एंटीबायोटिक्स लेने होंगे। रॉबर्ट कुछ नहीं कहता। एना कहती है कि हमने आपका संदेश सुना और यहाँ चले आए।
हमने पूरा दिन इंतजार किया मगर आप वहाँ दिखे नहीं। पिरेना बचे हुए लोगों की बस्ती के बारे में बात करती है। ये बात रॉबर्ट को अजीब लगती है। वो कहता है कि कोई नहीं बचा, सब मर गए। जब एना दोबारा उस जगह के बारे में कहती है तो रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने खाने की प्लेटें गिरा देता है। एना और उसका बच्चा ईतन घबरा जाते हैं। रॉबर्ट उससे माफी मांगता है और अकेले रहने का कहता है। खैर बाद में जब रॉबर्ट शांत हो जाता है तो वो उन दोनों के पास आता है, एना से माफी मांगता है, अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। एना कहती है कि वो भी बचे हुए लोगों में से थी मगर धीरे धीरे बाकी लोग मर गए, अब सिर्फ ईतन और एना ही बचे हैं। खैर रॉबर्ट उसे अपना काम दिखाता है कि कैसे वो प्रयोग करके इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। बाद में वो बाहर जाते हैं। रॉबर्ट उसे बताता है कि ये इन्फेक्टेड लोग ये रोशनी में नहीं आ सकते, ये सोच नहीं सकते, मगर इन्होंने मेरे लिए एक जाल बिछाया था। ऐसा लग रहा है जैसे अब ये बोल भो रहे हो, ये अपने जीने के तरीके को बदल रहे हैं। ये रोशनी में आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कहानी की कमी है। रॉबर्ट उसे अपना काम दिखाता है कि कैसे वो प्रयोग करके इस वायरस का इलाज ढूंढ रहा है। जब ये लोग बाहर थे तो ईतन एक पूल में नहाने जाता है। वो पानी ठंडा था और ईतन के मुंह से निकल जाता है कि ये पानी बहुत ठंडा है। और तब रॉबर्ट को एक ख्याल आता है। उसे लगता है कि ये वायरस तभी असर करेगा जब किसी इन्फेक्टेड इंसान के शरीर का तापमान बहुत कम हो। तो वो वापस घर आते हैं और इस बार रॉबर्ट ढेर सारा बर्फ लेके उस इन्फेक्टेड लड़की के आसपास रख देता है और फिर से उस वैक्सीन को ट्राई करता है और इंतजार करता है ताकि वो दोबारा इस वैक्सीन को ट्राई कर सके। लैब से जब रॉबर्ट ऊपर आता है तो ईतन टीवी के सामने ही सो चुका था। रॉबर्ट उसे गोद में उठाता है और अपनी बेटी मार्ली के कमरे में ले आता है। यहाँ एना को रॉबर्ट के परिवार के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। ईतन को सुलाने के बाद एना और रॉबर्ट की उस बस्ती के बारे में बात होती है। एना कहती है कि मैं जानती हूँ एक बस्ती है जो ठंडे इलाके में है और वहाँ लोग हैं। अभी तक वहाँ वायरस का कोई नामो निशान नहीं। वो रॉबर्ट से कहती है कि आप भी हमारे साथ जाए, ईश्वर यही चाहता है। रॉबर्ट अभी भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, मुझे इसका इलाज ढूंढना होगा। एना उसे कहती है कि आप देख नहीं रहे, कल रात आप खुदकुशी करने वाले थे, ईश्वर ने मुझे ठीक समय पर भेजा। देखो दुनिया में कितनी शांति है, ईश्वर के इशारों को समझो, तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें भी ईश्वर की आवाज सुनाई देगी। रॉबर्ट गुस्से में कहता है कि अच्छा तुम ईश्वर की आवाज सुनना चाहती हो तो सुनो जरा, ये सब जो हुआ ईश्वर ने नहीं किया, ये तबाही, ये बर्बादी, ये कत्लेआम, ये हमने किया। दुनिया में 6 अरब लोग थे कि भी वायरस ने 90% लोगों को जकड़ लिया, यानी 5 अरब 40 करोड़ लोग खत्म हो गए, मर गए, बीमार हो गए, तुम्हारे ईश्वर को प्यारे हो गए। बाकी बचे सिर्फ 1% लोग जैसे मैं, तुम और ईतन। इसके अलावा सभी उन निशाचरों में बदल गए जो अपनी भूख मिटाने के लिए हमारे जैसे लोगों का शिकार करते हैं। हर वो आदमी जिसे मैं और तुम जानते थे मर गए, खत्म हो गए। रॉबर्ट और एना की ये बहस चल रही थी कि उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। शाम हो चुकी थी। रॉबर्ट ध्यान देता है तो बाहर उन निशाचरों की ही आवाजें थी। रॉबर्ट घबरा जाता है। एना से पूछता है कि जब तुम मुझे यहाँ ला रही थी क्या अंधेरा हो चुका था? एना जवाब देती है कि हाँ। इसका मतलब कि उन निशाचरों ने अब रॉबर्ट के घर को ढूंढ लिया। रॉबर्ट ने सुरक्षा के लिए जो लगाया था वो उसका इस्तेमाल करता है, जैसे तेज रोशनी, लैंड माइंस। वो कापी को तो मार देता है मगर वो तादाद में इतने ज्यादा थे कि वो घर में दाखिल होने लगे। उनमें से एक इन सभी को लीड कर रहा था। अब रॉबर्ट फैसला करता है कि वो एना और एतन को लेके यहाँ से निकल जाएंगे, मगर उससे पहले ही वो इन्फेक्टेड लोग घर पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट गन लेता है, उनसे लड़ता है। वो एना और ईतन को लेके घर के सुरक्षित जगह यानी उस लैब में चले जाते हैं, मगर वो इन्फेक्टेड लोग अब वहाँ भी हमला करते हैं। वो एक शीशे के पार थे और वो शीशा बुलेट प्रूफ था। जब रॉबर्ट और एना वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि टंट में इस वैक्सीन का असर होता है। वो इन्फेक्टेड औरत जिसकी कमर पर एक बटरफ्लाई का टैटू था वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। बाकी इन्फेक्टेड लोग उस शीशे को तोड़ने और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे।
रॉबर्ट बहुत कहता है, चिल्लाता है कि मैं तुम सभी को ठीक कर सकता हूँ, तुम बीमार हो। आखिर में वो लीडर आगे आता है। पहले तो जोर जोर से उस शीशे से टकराता है, फिर वो अपने हाथ से एक निशान बनाने की कोशिश करता है। रॉबर्ट समझ जाता है कि असल में वो जिसे लाया है ये इसका अपना ही कोई है। रॉबर्ट एना को कहता है कि तुम अंदर ही रहो, बस मेरे लिए दरवाजा खोलो। वो इस इन्फेक्टेड औरत को बाहर ले जाता है। उस लीडर की वजह से बाकी लोग उस पर हमला नहीं कर रहे थे। रॉबर्ट उससे सारी आईवी निकाल देता है। वो इन्फेक्टेड आदमी उस औरत को लेता है। ये बात गलत थी कि इनमें फीलिंग्स नहीं होती। वो इन्फेक्टेड आदमी उसे लेता है और वो सब वहां से चले जाते हैं। रॉबर्ट और एना को वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अब रॉबर्ट को वायरस का तोड़ मिल चुका था और आगे वो इस कीवी नामी वायरस का खात्मा कर देगा। दुनिया शायद फिर से आबाद हो जाएगी। अंत में रॉबर्ट एना की बात मान लेता है और दोनों ही उस बचे हुए लोगों की बस्ती की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। और यहीं पर इस कहानी का अंत। दोस्तों, अगर वैसे एक सवाल आपके दिमाग में आता है कि बाकी सब की तरह रॉबर्ट इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुआ, तो असल में हुआ ये था कि काफी समय पहले रॉबर्ट को एक इन्फेक्टेड चमगादड़ ने काटा था, जिसकी वजह से वो इम्यून बन गया और हवा के जरिए फैलने वाले इस वायरस का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये मूवी में तो नहीं दिखाया गया, मगर इस कहानी के हिसाब से ऐसा ही है। बाकी कहानी इतनी कंफ्यूजिंग नहीं थी। और कहते हैं कि इसका कोई दूसरा पार्ट भी आने वाला है, तो शायद हमें वो भी देखने को मिले। उम्मीद करते हैं हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें।